अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पीछा कैसे करना है। अब वो गुड्डा ऊपर उड़ रहा है और नीचे से पीछा करना है हाथों से लेके जाके। हाथों से जब आप लोग लेके जाएंगे ना, चाहे ढाई तावा भी हो ना, उसका तन आडे के रह जाना। मैं ना ये लेके गया, अब मैंने यहाँ पे सीधा कर लिया। अब मैं ऐसे लेके गया हूँ गुड्डा, लेके जाके मैंने जब पीछा रखने लगा मैंने गुड्डा सीधा किया। अब इसी के साथ साथ मैं बताता हूँ खींची कैसे मारनी है। अब अपनी हैंड मूवमेंट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ, लच्छे कैसे मारने हैं। इतना का गुड्डा काफी है उसका गुड्डा काटने के लिए। वो देख सकते हैं आप लोग, झटका ही लगा है। आपने गुड्डा चढ़ाया, आपने यहाँ पे फेंक दिया, झटका ही लगना है आपको, झटका ही लगना है यहाँ से। तो इंशाल्लाह कोई आपका गुड्डा नहीं काट सकता, चाहे आप लोग अड्डा चढ़ा लें, तावा चढ़ा लें। गुड्डा ये मैंने पकड़ा है ना, चाहे लच्छा भी ना मारे आप, गुड्डा यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखे। वो देखे मैंने तलामों के पास से रखा हुआ है उनकी, ये देखे झटका बस। ये देखे जी कैंकल है उस बंदे की, इसका काटा है अभी गुड्डा, ये जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करते हैं सारे भाई खैर खरीत से होंगे। वेलकम बैक टू ज़ेब अंसारी यूट्यूब चैनल। तो आज नए भी लोग के साथ हाजिर हो गए हैं। आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे पेचे करने के तरीके, और बताएंगे जी पेचा कैसे करेंगे तो आप गुड्डा अगले का काट सकते हैं, और गुड्डा कैसे सेट करके चढ़ाना चाहिए सारा सीन आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों को पेचा करना आना चाहिए, बाकी बैड लक तो साथ साथ ही है ज़िंदगी के, बाकी गुड्डा कट भी सकता है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा करेंगे तो 90% चांस है कि अगले का गुड्डा कटेगा। केमिकल का भी रोल होता है, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा जो रोल है वो पेचे का होता है। कई दफ़ा आप लोग गिरा वाले केमिकल से भी चढ़ाएं तो आप गुड्डा अगले का काट सकते हैं। तो आज हम इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले कि पेचा कैसे करना है। एक भाई का कमेंट भी था, वो दो तीन वीडियो के नीचे उन्होंने कमेंट किया था कि हमें आप लोग बताएं कि पेचा कैसे करना है। तो आज उन्हीं की फरमाइश के ऊपर हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि आप लोगों को बताएँ कि पेचा कैसे करना है और कैसे आप लोगों को मज़ा आएगा पतंगबाजी करने का। गुड्डा जो है वो सेट करने का तरीका भी आप लोगों को बताएंगे कि गुड्डा एक साइड को गिरता है तो उसको सेट कैसे करना है, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा, इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आए आप लोगों को बताते हैं। पहला जो स्टेप है वो यही है, आप लोगों ने गुड्डा देखा है ना, ये तिनका अगर अच्छा गुड्डा है ना, अच्छे गुड्डे का रूल यही है कि उसका ये वाला तीला और ये वाला तीला ये सीधा हो, पता हो कि यार ये पूरा इधर से सेट है। कई गुड्डों का होता है कि यहाँ से नीचा होता है और यहाँ से ऊपर होता है, उससे फिर ना गुड्डा एक साइड को गिरने का खतरा होता है। तो सबसे पहला आप लोगों ने गुड्डा पकड़ के इसका ये जो जिसको कहते हैं हम लोग, इसका ना चप निकालना है, पहले हल्का सा ऐसे करना है। अगर नहीं निकला तो फिर आप लोग सर के साथ भी कर सकते हैं ऐसे करके, उससे फिर ये होता है कि गुड्डा एकदम गिरता नहीं है, गुड्डा ना हवा में सेट रहता, तन भी उसका ओके रहता है। बाकी ये आप लोग गुड्डा देख सकते हैं, गुड्डा फुल ओके है। कुछ लोग ऐसे भी गुड्डा चेक करते हैं, बाकी अब मुझे नहीं पता कि गुड्डा किस साइड को गिरता है। तो पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा गुड्डा उड़ाऊंगा, फिर मैं देखूंगा ये किस साइड को गिरता है, उसी हिसाब से फिर मैं इसकी कनी वगैरह सेट करूँगा। तो अब मैं गुड्डा चढ़ाने लगा हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, तलामे डालना कैसे डालनी है, तलामे डबल गिरा की हमेशा तलामे डालें, उससे फिर ये रहता है कि अगर पेचे के अंदर आप लोगों की तलामों से भी डलता है ना पेचा, तो फिर आपकी डोर टूटने का कम खतरा है। डबल होगी तो इतनी जल्दी टूटेगी नहीं तलाम, डबल तलामे डाल लें। उसके बाद ये तीन तीन गिरा ऊपर भी तीन नीचे भी, डबल केमिकल की डाल के दोनों साइडों पर। उसके बाद आप लोगों ने इतना कि इसका वाया रखना है कि आप लोगों को ना पता चल सके यार कहाँ पे गुड्डा सेट रहेगा। अब आप लोगों ने इजी है ये, आप लोगों ने जहाँ से भी आप लोगों को लगना है ना कि यार सही है, उधर से पकड़ के ना आप लोगों ने गुड्डा ऐसे उठा के देख लेना है, जहाँ वहाँ रखना है जहाँ पे तन भी दरमियाना सा हो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि गुड्डा हमारा घूमे तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, अगली तलाम को रखना है छोटा, पिछली को रखना है बड़ा। इस तरह हम बता दें, ये देखें
अगर ये मैंने डाला हुआ है इसको आप इग्नोर करें। अब ये देखें, अब मैंने अगली तलाम को घुमाना है, गुड्डा के घूमे मेरा, ये मैंने अगली तलाम छोटी रखी, पिछली बड़ी रखी, अब मैं चढ़ाऊंगा गुड्डा, मेरा गुड्डा घूमेगा। इसको ना गुड्डा चमेड़ने के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार मेरा गुड्डा घूमे ना, तन पे रहे फुल टाइट, कि हवा मतलब कि हवा तेज भी है ना, तो गुड्डा मेरा एक जगह पे रहे, उसके लिए आप लोगों ने अगली तलाम को रखना है बड़ा, पिछली को रखना है छोटा। मतलब मेरे कहने का ये है कि आप लोगों ने ना ऐसे रखना है, ठीक है। अब जब हवा दरमियानी है फिर आप लोगों ने उसी हिसाब से रखना है। अब ये मैंने परफेक्ट डाली हुई है, पिछली तलाम थोड़ी सी बड़ी है मेरी, और आगे वाली है जो वो थोड़ी सी छोटी है पिछले वाली से। अब यहाँ पे परफेक्ट है। अब मैं उड़ाऊंगा इसको, इसकी मैं चेक करूंगा गुड्डा किसी साइड को गिरता नहीं है, तो फिर उसी हिसाब से इसको सेट करूंगा मैं। अब मैं गुड्डा चढ़ाने लगा हूँ, अब फिर से मैं इसका थोड़ा सा चप निकाल के, अब ये देखें जब तुक्कल चढ़ानी है ना, तुक्कल, अब ये मेरे पास तुक्कल पड़ी हुई है। तुक्कल चढ़ाने का सीन ये होता है, अगर आप लोगों ने वीडियो बनानी है कहीं, आपने स्टेटस लगाना है, तो आप लोगों ने ना इसको आगे से पकड़ना है, आगे से पकड़ के जब आप लोग फेंकोगे ना ये सीधी रहेगी, ऐसे उठाओगे वीडियो बनेगी सही, आगे से पकड़ के जब आप लोग फेंकोगे ना ये सीधी रहेगी, ऐसे उठाओगे वीडियो बनेगी सही। अब गुड्डे का सीन क्या होता है, गुड्डे का सीन ये होता है आगे से पकड़ के नहीं फेंकना, इसको पीछे से पकड़ के फेंकना। ये देखे अभी मैं चढ़ाऊंगा, ये देखे ये गया, ये गुड्डा हो गया। अगर तुक्कल को आप लोग पीछे से पकड़ के फेंकेंगे ना वो चढ़ेगी नहीं सही। अब इसको मैं चेक कर रहा हूँ कि यार ये गुड्डा किसी साइड को गिरता तो नहीं है, पहले मैं इतना आगे चढ़ा के इसको चेक करूंगा। अभी तो मुझे सेट लग रहा है, ये थोड़ा सा राइट को गिर, मैंने पीछा किसी के साथ करना है और गुड्डा मेरा मैं चाहता हूँ कि राइट को ही जाए, फिर मैं इसकी कन्नी सेट नहीं करूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये गुड्डा फुल सेट हो जाए फिर मैं क्या करूंगा। अभी मेरा गुड्डा राइट को गिर रहा था हल्का सा, मैं क्या करूंगा, ये देखे इसी केमिकल को ले लेते हैं, देखे मैंने यहां से तोड़ी। अब मैंने क्या किया, मैंने ना इसकी हल्की सी ना, ये देखे छोटी सी मैंने ये गिच कर ली, इतनी सी कर ली, उसी हिसाब से करनी है कि आप कितना का गुड्डा गिर रहा था मेरा, इतनी की है मैंने। अब मैंने क्या करना है, इसकी मैंने ओपोजिट साइड पे बांधना है जहाँ को गिर रहा था। अब राइट को गिर रहा था, मैंने इसकी लेफ्ट साइड पे बांधना है, ये मैंने इसकी लेफ्ट साइड पे बांध दिया। अब मेरा गुड्डा नहीं गिरेगा, अब मेरा गुड्डा सेट सीधा रहेगा। और हमेशा ये जो आप लोग गिरा बांधते हैं ना इसको डबल बांधा करें, और इसके अंदर से गुजार के नहीं बांधनी, फिर वो रगड़े लग के टूट जाती है, इसके साथ बांधनी है। अब मैं गुड्डा चढ़ाता हूँ, पहला रूल यही है कि गुड्डा आपका खींचने पे सीधा जाना चाहिए, रूल यही है आप लोग, आपका गुड्डा नहीं सीधा, अगला बंदे का गुड्डा सेट है वो आपको हिलने ही नहीं देगा, आपको वो फंसा लेगा वैसे ही। अब ये देखें हवा बड़ी मजे की है, और अब मेरा गुड्डा चेक करें आप कितना लेवल सीधा जा रहा है। अब मुझे ये टेंशन नहीं होगी यार मेरा गुड्डा ना गिर जाए, अब इस चीज की टेंशन खत्म है मेरी, गुड्डा मेरा घूमता भी है, हर चीज ओके है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पीछा कैसे करना है। अब वो गुड्डा ऊपर उड़ रहा है, वो हमारे वलीद भाई ने गुड्डा उड़ाया हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं। अब मुझे पता है कि यार उसका गुड्डा कहाँ पे वो लगा हुआ है, उसकी छत के हिसाब से मैंने गुड्डा अपना चढ़ा लिया है, इतना का गुड्डा काफी है उसका गुड्डा काटने के लिए। अब मैं मुझे ये नहीं कर रहा कि जितना उसका चढ़ा है मैं उतना चढ़ाऊं, अब इतना जितना मैंने चढ़ा लिया ये काफी है मेरे लिए कि मैं उसका गुड्डा काट सकूं। अब ये देख सकते हैं आप लोग, वो भैया आ रहे हैं नीचे से उठाने, अब मैंने इसको उठाना है नीचे से। नीचे से आप लोगों ने कैसे उठाना है, ज्यादातर आप
यही कोशिश किया करें कि पेचा नीचे से करें, और नीचे से पेचा करना है हाथों से लेके जाके। हाथों से जब आप लोग लेके जाएंगे ना, चाहे ढाई तावा भी हो ना, उसका तार नाडे के रह जाना। उससे फिर फायदा ये होता है कि अगले का ना वो जितने मर्जी लच्छे मारे, ये देखिएगा, आ जा वलीद कर पेचा। वो देखें जी ऊपर उसका गुड्डा है, और ये नीचे जी अब हाथों से लेके जा रहे हैं भाई। अब ये देखिए, अब मैं लेके जा रहा हूँ इसको, मैं ना एंड पे जाके सीधा कर लूंगा गुड्डे को ना, ये देखिएगा। हाँ वो भाई ने रोक दिया है जरा। अब मैं ना ये लेके गया, सीधा किया मैंने, वो गया। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने गुड्डा मैं ऐसे लेके गया हूँ, वो देख सकते हैं जी उसका जा रहा है गुड्डा, और ये जी मारा गुड्डा। अब मैं ऐसे लेके गया हूँ गुड्डा, लेके जाके मैंने जब पीछा लगने लगा, मैंने गुड्डा सीधा किया, मैंने ऐसे उठाया। अगर मैं ऐसे लेके जाता ना, कट ऐसे भी जाता है, लेकिन ऐसे आप लोगों का भी कट सकता है। जब ऐसे उठाओगे ना, ऐसे आपकी डोर ज़्यादा तेज़ फिरेगी। पहला नीचे से पीछा करने का तरीका ही ये है, गुड्डा आप लोगों का उसी हिसाब से चढ़ाओ। अब इसी के साथ साथ मैं बताता हूँ खींचे कैसे मारनी है। अब खींचा आप लोगों ने मारनी है ना, ऐसे ही गुड्डा नीचे से लेके जाना है, गुड्डा सीधा करके ना, चाहे जहाँ पे भी है, सीधा करके तेजी से खींचना है, और थोड़ा सा भाग के पीछे को आना है, खींच लग जाएगी अगले को। अब खींच के लिए ये आप लोगों को मैंने दिखाई थी, ये जो डबल जोकर है ना, ये खींच के लिए इस्तेमाल होती है। इसका मेन जो फायदा है ना खींची है, ये जितनी बारीक होगी ना, ये उतनी तेज फिरेगी, ये गर्म तेज होती है। इसके साथ आप लोग टैटू चढ़ा के ना ढाई तावे को खींच मार सकते हैं। इसका फायदा यही है, इसकी प्राइस इसीलिए ज्यादा है। इसको मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, इस डोर का थोड़ा सा पीस बांध के आगे, जितना का आप लोगों को पता है मैंने बेचा करना है, बाकी आप लोग दूसरी केमिकल बांधे, फिर आप लोगों का ना ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगी, ज़ाया भी नहीं होगी, और आप लोगों का पेचा भी मज़ा भी आएगा आप लोगों को। अब अपनी हैंड मूवमेंट में आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ, लच्छे कैसे मारने हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। उसके साथ साथ मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये हाथ है मेरा, ये दूसरा हाथ है, ये नीचे मेरे पीस पड़ा हुआ है। अब मैं लच्छा मारता हूँ ना, ऐसे जब मैं लच्छा मारता हूँ, ये देखें, इधर से मैं डोर छोड़ता हूँ, इधर से लच्छा मारता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं, इधर से मैं लच्छा मार रहा हूँ, इधर से डोर अपनी को ना छोड़ रहा हूँ। यही है डील देने का, और डील साथ साथ आप बहुत ज़रूरी है। जैसे मर्जी, अगर आप चाहते हैं कि यार मेरा गुड्डा लच्छे मारते मारते हवा कम है, मारते मारते ऊपर आए, आपने क्या करना है, आपने केमिकल किसी बंदे को पकड़ा देनी है, या नीचे आप थोड़ी सी केमिकल अपने पास ना खिला लें, जिससे आप लोगों का ना पेचा ईजीली हो जाए। आपने लच्छे मारते मारते ना पीछे आना है, उससे आप लोगों का गुड्डा ऊपर आएगा, और उसके साथ साथ आपने लच्छा ये ऊपर वाला भी मार सकते हैं, ऊपर करके मारेंगे ना, उससे आपका डोर ना ज़्यादा वाइब्रेट होगी, ये वाइब्रेट होने से गुड्डा कटता है। वैसे तो एक हिसाब की खींची मारते हैं, जैसे मर्जी लेगी जाके खाएंगे, वो तो सीन खींच वाला है। लच्छे के अंदर हमेशा वाइब्रेशन से गुड्डा कटता है। अब दूसरा पीछा मैं करने लगा हूँ, और हैंड मूवमेंट आप लोग फिर देखिएगा मेरी, मैं क्या कर रहा हूँ। वो देख सकते हैं जी, ऊपर जो है ना गुड्डा वो हमारा है, और नीचे जो है ना वो लड़के का वलीद। दूसरा पीछा करने लगे हैं, हैंड मूवमेंट्स आपको दिखाएंगे इसमें हम। गुड्डा उतारने से फिर गुड्डा आपके कंट्रोल में रहता है, जितना ज़्यादा चढ़ा होगा आपके कंट्रोल में नहीं होगा गुड्डा। अब मैंने गुड्डा उतार लिया, जितना कि मैंने जहाँ तक पेचा करना है, अब ये मैंने गुड्डा उतार लिया। अब ये देखिए, अब फिर से मैं लेके जाऊँगा नीचे से, और जाके मैं गुड्डा सीधा करूँगा। आप लोग भी ये ट्राई करके देखिएगा, बस ये ना कहते नहीं है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, यही चीज़ है इसके अंदर भी। आप लोगों की प्रैक्टिस ही है, आप लोगों का डर खत्म होना चाहिए कि यार मेरा गुड्डा कट जाएगा। ये गुड्डा मेरा चला गया, अब मैं लेके जा रहा हूँ नीचे, ये देखिएगा गुड्डा आप लोग चेक करें मेरा कितना लेविश है। वो मैं लेके गया गुड्डा,
वो देख सकते हैं आप लोग, झटका ही लगा है। ये हैंड मूवमेंट आपकी तेज होगी और हर चीज परफेक्ट जाएगी, फिर ही गुड्डा कटेगा अगले का। अब हवा तेज है, वो लच्छे भी मार रहा है, पहले दफा उसने लच्छे मारे हैं, अब उसने ढील दी है, दोनों दफा उसका गया है। अब मैं आप लोगों को ऊपर से पेचा करना भी बताऊंगा कि आपने अगर ऊपर से गुड्डा फेंकना है तो कैसे करना है पेचा। ऊपर से आप लोगों ने अगले बंदे की ना तलामों के पास से गुड्डा पेचा करना है, अगले की ये तलामे हैं, आप लोगों ने थोड़ा सा उसे गुड्डा चढ़ा के ज्यादा उसकी तलामों पे फेंकना है। अगर आप लोग उसके हाथों के पास से फेंकेंगे ना, अगर ये मैंने गुड्डा चढ़ाया हुआ, आपने गुड्डा चढ़ाया, आपने यहाँ पे फेंक दिया, झटका ही लगना है आपको, झटका ही लगना है यहाँ से। वो दूसरी बात है कि यार कोई आपकी किस्मत चल जाए कट जाए, बाकी यहाँ पे झटका ही लगता है। तलामों के पास से फेंक के ना आपने गुड्डा लच्छे नहीं मारने, ये चीज करनी है, बस ढील देगी ना थोड़ा सा हाथ को घुमाना है, इससे आपका गुड्डा घूमेगा और एक हिसाब के इसको लच्छे ही कहते हैं। ये चीज है ना जो गुड्डा घूमेगा, घूमी जाना डोर फिरेगी उसके ऊपर और गुड्डा कट जाएगा। आपको मैंने बताया नीचे से पेचा कैसे करना है, या आप लोगों ने देखा दो गुड्डे भाई ने चढ़ाए थे, हमने दोनों को साथ ही लगाया। हैंड मूवमेंट आपकी तेज हो और आप लोगों का सारा सीन ओके हो तो इनशाला कोई आपका गुड्डा नहीं काट सकता, चाहे आप लोग अड्डा चढ़ा लें, तावा चढ़ा लें। अब मैं गुड्डा चढ़ा रहा हूँ तावा, हवा तेज है, टाइट गुड्डा है, मुझे पता है, मैं नीचे से लेके जा रहा हूँ, भाई को झटका ही लग रहा है। वो देखें जी पकड़ लिया उन्होंने, ये तकरीबन इस डायरेक्शन इनसे पीछे चढ़ रहा था इन हाँ। हम लोगों ने इनका काटा है और इनके हाथ में भी एक गुड्डा आ गया, मैं खींच लगाने आ रहा था। वो नीचे लेके जा रहा था कि मैं इनको ऐसे उठाऊं, बाकी मैं भी रेडी था। अगर ऐसे आपके साथ भी हो ना कि एक बंदे ने चढ़ाया और आपका काफी दूर लगा हुआ है, ढील नहीं देनी, गुड्डा ये मैंने पकड़ा है ना, चाहे लच्छा भी ना मारे आप, गुड्डा यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखें, आपका 70% ना आपका गुड्डा बच जाएगा। अब मेरा फुल तन पे है इस टाइम, मैं डील नहीं दूंगा, इधर ही रखूंगा ना, कोई भी गुड्डा आगे डोर लगेगी साथ ही लगेगा, क्यों, मेरी डोर टाइट है इस टाइम। जब मेरी डोर ढीली होगी ना, चाहे मेरा ढाई तावा भी है वो साथ ही लगनी है। प्रोफेशनल ऐसे ही बन जाता है बंदा, कोई चीज नहीं होती, कोई उस्ताद नहीं रखना पड़ता इस चीज में। बाकी आप लोग बस यही है कि ये आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा इस पेचे के साथ। तो अब ये भाई चढ़ाते हैं तो फिर इनके साथ करते हैं पेचा। अब मैं आप लोगों को ऊपर से पेचा करना दिखाऊंगा। तो अब वो गुड्डा चढ़ गया फिर से, अब मैंने गुड्डा चढ़ाया हुआ है, अब मैं करूँगा ये है जी गुड्डा और वो ऊपर है जी मारा गुड्डा, ऊपर से करने वाले हैं हम पेचा। देखते होता है ऊपर से कि नहीं, ट्राई तो करेंगे पूरी। आवाज काफी अच्छी है इस वजह से पेचे जो है ना वो कर लें कि इजीली हो रहे हैं, कोई इशू नहीं आ रहा। अच्छा जी ऊपर है जी मारा गुड्डा, ऊपर से करने वाले पेचे। वो देखिए मैंने तलामों के पास से रखा हुआ है उनकी, ये देखिए झटका, बस मैंने बस ऐसे ही किया है, साथ ही लगा, हवा तेज थी। तो बाकी आप लोग देख रहे हैं, आप लोग बन गया रहा है, आपको ये सारी जो बताया देख लें वही हो रहा है। आप कह लेंगे अच्छी है डो, केमिकल भी ठीक है, लेकिन आपको जो बताया वो आपने फॉलो करेंगे तो आप कह लेंगे रिजल्ट से है ना बेहतर होंगे। ये वीडियो काफी देर से मैं सोच रहा था कि मैं बनाऊं, ये भाई हमारे हैं एक, तो उन्होंने भी बहुत ही ज्यादा हर वीडियो के नीचे वो यही कमेंट कर रहे थे, तो ये वीडियो एक ना एक दिन हमने बनानी थी, फिर मैंने कहा इंशाल्लाह आज बनाते हैं। यार इसी के साथ साथ जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, तो यार जल्दी जल्दी करवा दो 1K। इसी के साथ साथ हम लोग 1K पे जो है वो गिव अवे करेंगे एक पीस का, तो वो खुश नसीब आप भी हो सकते हैं कि आप चैनल को आपने सब्सक्राइब नया नया किया है तो आपका पीस निकला है। इसमें कोई हेरा फेरी नहीं होगी, सबके सामने ओरिजिनल करेंगे गिव अवे, कोई नहीं अपने दोस्त वगैरह को, ये सीन कोई नहीं है इसके अंदर। ये भी हो सकता है कि ये जो भाई देख रहे हैं यही हमारे गिव अवे के अंदर विनर हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब फिर से मैं आप लोगों को ऊपर से पेचा करके दिखाता हूँ, ये आप लोग देखिएगा। पहले मैं गुड्डा थोड़ा सा ना उतार लूँ अपना,
गुड्डा हमारा काफी है जी। वो देख सकते हैं जी ऊपर गुड्डा है हमारा काफी ऊंचा, अब उतार रहे हैं थोड़ा सा। और ये गुड्डा है जी सामने, चौथा पेचा करके आपको दिखा रहे हैं, तीन पहले कर दिए। बाकी इसी के साथ साथ हम लोग नए जो पीसीस मार्केट में आ रहे हैं उनको भी अब परचेज करेंगे, आपको उनका रिव्यू देंगे कि कौन सा पीस अच्छा है। बाकी इंशाल्लाह ब्लड फाइटर की हम दोबारा से करेंगे, जो नए ब्लड फाइटर्स के पीसीस आए हैं न्यू एडिशन के अंदर, वो सब का अब हम लोग दोबारा से रिव्यू करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ साथ रहिएगा, बेल आइकॉन को दबा दें, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ज़ुहेब अंसारी भाई की वीडियो आ गई है, फिर आप लोग वॉच आउट कर सकते हैं। अब ये देखे मैंने गुड्डा उतार लिया है, अब मैं इनके साथ पेचा करने लगा हूँ। भाई की आवाज आ गई है कि रुक जाए, हवा थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है। अब वो भाई ला रहे हैं ये देखे, वो उनका हाथ से निकल गया, वो गुंजले पड़े हुए थे वो गुंजले खोल रहे हैं। और ये भी अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये भी सीन ये देखे, ये कभी कभार होता है। अब ये आपके गुंजल पड़े हुए हैं यहाँ पे, आपको ये आप सोचें कि यार यहाँ पे मेरे गुंजल पड़े हुए हैं। अब गुड्डा मैंने चढ़ाया हुआ है, मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से गुड्डा पकड़ना है और यहाँ से खोलने हैं। मैंने ऐसे नहीं करना कि गुड्डा मैं छोड़ दूँ और यहाँ से गुंजले खोलूँ, फिर ऐसे कड़िक्की लग जाती है, फिर गुड्डा निकलते ही निकलता है। दोबारा चढ़ा लिया भाई ने गुड्डा, पहला तो उनके हाथ से निकल गया, अब देख सकते हैं हमारा ऊपर है वो गुड्डा। और ये है जी, अब वो भाई फुल समझ रहे हैं कि मैं इनके हाथों से ले रहा हूँ, लेकिन मैं गुड्डा अपना उतार रहा हूँ, उतार के फिर मैं तो ये नहीं ना पता कि हम ऊपर से करने जा रहे हैं। अब मैंने ऊपर से पीछा करने का जेन, अब वो भाई कह रहे हैं कि मैंने इनको नीचे से करने नहीं देना, हालांकि मेरा जेन ही नहीं है नीचे से पीछा करने का। वो देख सकते हैं जी ऊपर गुड्डा जी हमारा, ऊपर से करने का जहन है, कोशिश करेंगे कि ऊपर से करें, लेकिन दूसरा गुड्डा जो है काफ़ी उन्होंने भी उड़ा लिया है, तो देखते हैं क्या सीन है। पेचा तो आपको दिखाएंगे ही, गुड्डा उतार लिया जी देख सकते हैं आप लोग काफ़ी हद तक। फिर से ट्राई कर रहे हैं, करने के तो वैसे भी हम कर सकते हैं नीचे से भी पेचा, लेकिन हम नहीं कर रहे नीचे से, कौन सा कोई काम है, इधर से लेके जाओ यहाँ से उठा दो, लेकिन हम लोग ऊपर से करके आपको दिखा रहे हैं। वो देख सकते हैं जी फेंक दिया है भाई ने, बल्कि नहीं अभी नहीं फेंका, फेंक दो इधर, फेंक दो फेंक दो, हाँ ये देखें जी फेंक दिए गुड्डा। चल वो देखें जी गुड्डा काट दिया से भाई ने, चौथा गुड्डा काट दिया है वो, जा रहा है मेहनत के बाद। अब मैंने तब से उसको नीचे से, वो ऊपर एक गुड्डा और पीछे से उड़ा, उसके साथ भी पेचा करते हैं हम, नीचे से आ रहा है ये बंदा उठाने हमें, ये वही है जिसने जिसका गुड्डा जो है ना इन्होंने पकड़ा था पहले, देखिए आपने वीडियो देखिए, नीचे से मैं उठाने आ रहा है ऊपर मारा गुड्डा, मैं इधर जा रहा हूँ कैप्चर करने के लिए। वो देखिए साथ ही लगा, ये देखें जी केमिकल है उस बंदे की, इसका काटा है अभी गुड्डा, ये जा रही है। वो देख सकते हैं आप लोग, टाइट रखा है मैंने गुड्डा, ढीला नहीं किया तो उसका साथ ही लग गया।
अगर आप लोग कहते हैं कि इसके और भी पार्ट्स हम लोग बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर पेश करिएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।